नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे और सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ फिर कहेंगे बुंदेलखंड की वो धरती जो डॉक्टर हरि सिंह गौर की धरती है, वो धरती जिसमें लाखा बंजारा झील जैसे बलिदान शामिल है। तो जाहिर है इस धरती का अपना गुरूर है, अपना सुरूर है। उस पर आज राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो आए और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त एनर्जी और ऊर्जा भर के गए। मध्य प्रदेश का कद्दावर नेता और कमलनाथ की सरकार में मंत्री हमारे साथ मौजूद है। दमोह के बाद अब जिम्मेदारी सारे बखूबी दो दिन बची हैं, क्या कमाल दिखाएंगे? कमाल दिखाने की क्षमताएं तो हमसे यादव में नहीं है, लेकिन जमीनी कार्य करता हूँ। जो पार्टी ने दायित्व दिया है गांव-गांव गली-गली लोगों को जगाने का, अलग जगाने का, लोगों में एक एनर्जी देने का, वो काम मैं कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार आज की इस रैली के बाद हुआ है। राहुल गांधी का जो ओजस्वी भाषण हुआ है, कमलनाथ जी ने जो एक संदेश दिया है किसानों के साथ युवाओं को, आज निश्चित रूप से बुंदेलखंड का युवा सबसे ज़्यादा हैरान परेशान है प्लान की स्थिति में। तो एक आशा और उम्मीद हम लोगों को जागृत हुई है कि केंद्र में सरकार बनने पर, मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र में सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। किसानों के बाद हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का फोकस यही है कि युवाओं को हम कैसे के स्वावलंबन बना सकें, उनको काम दे सकें, उनके काम हाथ को काम दे सकें, इसी पर फोकस हमारा रहेगा। इसके साथ साथ जो न्याय योजना हम लोग लेके आए हैं उसका भी बेहद ग्रामीण जनों में, ग्राम जनता में आकर्षण है। लोगों ने विश्वास जागृत किया है कि रोजगार गारंटी के बाद न्याय योजना एक मील का पत्थर साबित होगी, खासतौर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की। कहीं ना कहीं पूर्व गृह मंत्री जिस अंदाज में एकला चला रहे हैं भाजपा में, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। कितना फायदा ले पा रहे हैं यादव से क्योंकि नाराज है, कितना फायदा ले पा रहे हैं ब्राह्मण से क्योंकि वो भी नाराज है, और कितना फायदा जो है गोपाल भार्गव की नाराजगी से आप कैच कर पा रहे हैं? भार्गव जी हमारे बुंदेलखंड के नहीं पूरे मध्य प्रदेश के गौरव हैं, सम्मानी हैं, और निश्चित रूप से जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है उनका किसी भी दल में, जिस दल में हो उस दल में सम्मान करने का हम सबका दायित्व है। यदि उनकी भावना को आहत करने का यदि किसी ने काम किया है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज बहुतायत संख्या हमारे क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश में है, और उसकी कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो मेरा ऐसा मानना है ब्राह्मण 12 तारीख को अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा। जहाँ तक यादवों का सवाल है, यादव को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छला है। मैं यहाँ चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेता परम पद की श्रद्धेय बाबूलाल गौर साहब को मुख्यमंत्री बनाया और जिस तरह से उनको हटाया, हटाने के साथ साथ जिस तरह से उनके गृहमंत्री पद से हटाया, मुख्यमंत्री से हटाया, गृहमंत्री पद से हटाया, उसके बाद ललिता यादव जी को जिस तरह से मात्र 6 महीने के लिए राज्यमंत्री बनाया और राज्यमंत्री बनाने के बाद जिस क्षेत्र में जो काम कर रही थी वहाँ से हटाकर दूसरे क्षेत्र में भेजा, जिस तरह से हमारे श्रद्धे दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी का सांसद का टिकट काटा, उससे हमारी यादव समाज बेहद आहत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस की पार्टी है। अब देखिएगा, जब भी कांग्रेस की सरकार नहीं है हमारे प्रदेश में, 2 कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं। लगातार यादवों का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। आज की बात हो, चाहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की बात हो, चाहे मोतीलाल वोरा जी की बात हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की बात हो, यादवों को जो मान सम्मान मिला है तो कांग्रेस पार्टी में मिला है। आज जागृत हो चुका है यादव, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ के खिलाफ खड़ा हो चुका है और मान लिया है कि इस पार्टी में हमारे स्थान है। कांग्रेस पार्टी दिया, यह पूरे मूड में है कांग्रेस। इस वोट को कैश करने के लिए ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।